फ्रेंड्स आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे लैम्बो में पेट्रोल फिल करवाने के लिए, ठीक है। और जो भी हमारी गाड़ी में पेट्रोल फिल करेगा ना भाई, उसके चेहरे पे खुशी लेके आएंगे किसी भी तरीके से, बट कोशिश करेंगे कि उसके चेहरे पे खुशी आए। बस यही मोटिव है यार, यही मोटिव है और इसी के लिए भाई इतना काम कर रहा हूँ। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है या आपका कोई सजेशन है कि ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डेफिनेटली मैं कंसीडर करूंगा, मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार जब मैं किसी के चेहरे पे खुशी देखता हूँ ना बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाता हूँ। वो एक फीलिंग अलग ही होती है जो मुझे लगता है आप में से हर कोई महसूस कर पाएगा। जो भी किसी अनजान इंसान के लिए कुछ करता है वो ये फीलिंग महसूस कर सकता है, और उसके लिए तो चलिए डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली किसी पेट्रोल पंप पे चलते हैं जो भी नियर बाय होगा, और जो भी बन पड़ता है ना उसकी खुशी के लिए, उसकी एक स्माइल के लिए, भाई वो जब घर जाएगा ना बंदा तो बस होना चाहिए कि यार आज दिन बन गया भाई, पूरे दिन गाड़ियों में पेट्रोल भरा, परेशान हुए गर्मी के अंदर, वो भी दुबई की गर्मी के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर फिलहाल के टाइम पे 40 के प्लस है, कभी कभी 50 भी चला जाता है, ऐसे टाइम पे इतने लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भरना, उनके शीशे साफ करना गर्मी में, भाई बहुत मेहनत का काम है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास बचपन से ही पैसा है, नहीं यार कमाया है, तो यार ये चीज़ ना जर्नी जो होती है ना वो आपको सिखा देती है बहुत सारी चीज़ें। तो उस जर्नी के नाते ना मैं लोगों का ना वो स्ट्रगल, वो जो दुख है उनका, उनका जो डेली का एक वीकेंड आने का जो वेट है ना उनका, वो मैं समझ सकता हूँ। तो यार एटलीस्ट हम एक वीकेंड तो उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अगर काफ़ी दिन तक वो जॉब ना भी करें तो भी उनका घर चल जाए, भाई अपना एंजॉय करो, थोड़े दिन तो अपने लिए कुछ करो, फैमिली के लिए कुछ करो, ऐसा कि भाई अपने फैमिली के लिए कुछ करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग जो अपनी फैमिली से सालों तक नहीं मिलते, तो कुछ ऐसा भी करेंगे आने वाले वीडियोस में कि वो अपने घर पे जा पाए हैं, उनके अपने फैमिली से मिल पाए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए, डेफिनेटली। चलिए चलते हैं। आप देख रहे हो ना सामने बंदा कितना काम करता है, लेकिन अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट है उसके, इसकी मुस्कुराहट बढ़ाते हैं यार, थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके बढ़ाते हैं, आज का दिन उसका बनाते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर? वेयर आर यू फ्रॉम? फिलिपिन। ओके भाई अभी स्पेशल फुल कर दो। ओके आई विल पे बाय कार्ड। नो एक्चुअली आई डे बिफोर यस्टरडे आई डिड दैट। Yes. Your smile is nice. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. देखा यहाँ पे भाई कितना स्माइल कर रहा था यार, मजा आ गया यार उसकी स्माइल देख के, लेकिन अभी इसकी स्माइल बढ़ाते हैं। स्माइल तो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन पैसे लेने तो आएगा भाई, जब पैसे लेने आएगा तब उसकी स्माइल हम और ज़्यादा कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा कैसे, ठीक है। Let's see. So in after how many days you go home? After 6 months, sir. After 6 months, yeah, every 6 months. No, sir, every year now, because I think it's the biggest problem. Okay. You married, brother? Yes, sir. I have two kids. Two kids? Yeah, but not married. Not married? Yes, sir. Okay, I mean in a partner relationship, yes, or something. Sir. Save money. That's important. It's very awesome. I appreciated that. How much total? Only 8 to 12 kilometers. Okay. How much daily you earn here, though? How much daily you earn here? Like 42 dirham, sir. So 42 dirham? Yes, sir. That's like 1,927. Okay. Salary. Okay. This is from my side, brother. Really, sir? Yes. Thank you so much, sir. Be happy, yes, and yes, so much, I will pray for your family. Go to your family, enjoy. Yes, sir. Remember so much, me, sir. And subscribe Technical Love YouTube channel. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. What's your
टेक्निकल अवी टेक्निकल अवी अवी या ओके सर या थैंक यू क्या प्लीज सर और थैंक यू सो मच थैंक यू देखा होगा क्या मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश जब उसने मुझे बताया ना कि मैं डेली हार्डली 45 दिरहम्स कमा पाता हूँ और मैं शादी मैंने अभी तक इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आगे के खर्चे तो यार मतलब मुझे लगा कि यार एटलीस्ट उसको एक हफ्ते की छुट्टी दे दें तो मैंने उसको जो 300 दिरहम्स दिए तो भाई उसके हिसाब से उनके 6-7 डेज वो आराम से इंजॉय कर सकता है या फिर वो सेव कर सकता है जो कुछ भी वो करना चाहे बट जो भी था यार जो उन्होंने जो मुझे रिएक्शंस दिए ना यार मैं बड़ा खुश हो गया और भाई यही मोटिवेशन है सिर्फ मैं बताऊँ तो यही मोटिवेशन है इसी मोटिवेशन के लिए यार मतलब कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी और आगे भी बहुत कुछ करेंगे इसी मोटिवेशन के लिए और रियली थैंक यू यार ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और अलग से और अच्छे से कॉन्टेंट के साथ करते हैं नेक्स्ट टाइम See you, bye-bye.